हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो। तो आज की वीडियो में फिर से खेलने जा रहे हैं हमारा GTA 5। तो पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि भाई माइकल गया था एक प्रोड्यूसर के पास, और प्रोड्यूसर के पास जाने के बाद माइकल ने उस प्रोड्यूसर की मदद करी थी। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो जरूर से आगे देख लो, बहुत ज़्यादा कमाल की थी। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, मैं आपको थोड़ा जल्दी से ऊपरी बता देता हूँ क्या हुआ क्या था। तो भाई हमने क्या करा था, उस प्रोड्यूसर की मदद करी थी। उस प्रोड्यूसर ने कम से कहा था कि एक एक्टर उसकी जो मूवी में काम कर रहा था वो भाग गया उसके पैसे लेके, तो हम उस एक्टर को पकड़ के उस प्रोड्यूसर के पास लाए थे, और वहाँ से भी हम अपना गेम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यार उसके बाद मुझे ये बताओ कि यार गाड़ी कैसी लग रही है, ये मतलब ये बाइक सब जानते होंगे ये कौन सी बाइक है, मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं इस बाइक के बारे में ये कौन सी है। और ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस गेम में मंगवाई है, और ये बहुत बढ़िया चलती है, और इसके ग्राफिक्स भी मतलब इस बाइक के ग्राफिक्स भी बहुत एकदम रियलिस्टिक आ रहे हैं। तो आज हम इसी बाइक को दौड़ाने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ और देखते हैं क्या करना होगा। और मैंने अभी भी नोटिस करा है कि भाई इसकी जो आवाज़ है ना मतलब बाइक की, वो बिल्कुल लगभग ऐसी है जैसे बिल्कुल रियल में आती है। तो अभी आप सुनो कैसी आ रही है, बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक। तो अभी हम जाने वाले हैं अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ जो कि है डी। बच गया भाई, मैं भी ठुकने वाला था। और अभी चलते हैं डी की तरफ, डी यहाँ पे बना हुआ आ रहा है। तो डी ज़्यादा दूर नहीं है, और अभी भाई हमारे पास सिर्फ डी ही है, मतलब डी वाला ही ऑब्जेक्ट आ रहा है और कुछ भी नहीं करने को। लेकिन चलो कोई नहीं, डी पे चलते हैं और डी पे चल के देखते हैं हमें क्या करना होगा। ये डी पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे कोई मेन मिशन हमारा स्टार्ट होगा, कोई मतलब बड़ा मिशन, क्योंकि भाई अभी जितने भी मिशन आ रहे हैं वो सारे बड़े बड़े मिशन आ रहे हैं। पिछला जो मिशन था वो भी बड़ा मिशन था, और ये वाला मिशन भी बहुत बड़ा होने वाला है। तो चलते हैं पहले इस वाले ऑब्जेक्ट पर, देखते हैं क्या करना होगा। यार फाइनली मैं डी वाले मिशन पे तो आ गया हूँ, और अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे भाई कंस्ट्रक्शन वगैरह काम चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं और सामने ट्रेवर फ्रैंकलिन भी हैं। तो भाई जब भी ट्रेवर फ्रैंकलिन होते हैं तो पक्का से मजा आता। और भाई ये गाड़ी देखो ब्लैक कलर की कितनी धांसू लग रही है, और शायद से इनकी कोई बातचीत चल रही है, और देखते हैं क्या होगा। ओके, Hey, you two get going. Ooh, let's go, T. Okay, तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो लड़की थी यहाँ पर, ये इसकी मदद करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और हो सकता है कंस्ट्रक्शन की मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इस लड़की की कुछ मदद करें। लेकिन उसके बाद मुझे यार एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है जो मुझे मतलब कमेंट करके बताओ कि कैसी लग रही है, जो ब्लैक कलर की है। अभी पहले कट सीन पूरा होने दो, फिर उसके बाद देखते हैं कि वो गाड़ी है कैसी। मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वो बुगाटी हो, ये वाली गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, पीछे से बिल्कुल एकदम बुगाटी जैसी है ये। और यहाँ पे लिखा है गेट इन द कार। ओ भाई साहब, ये तो चला गया इस कार को लेके, अब हमें ये वाली कार लेके जाना होगा। और अभी हम माइकल बने हुए थे और हम बन चुके हैं फ्रैंकलिन, और यहाँ लिखा है कि हमें गैस स्टेशन पे जाना है। यार ये गैस स्टेशन तो बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ से, तो भाई मैं शॉर्टकट लेने वाला हूँ ताकि मैं जल्दी पहुँचाऊँ। ओ भाई साहब, ये बड़ा ख़तरनाक शॉर्टकट ले लिया मैंने, तो अब भाई आगे हो जा। ओके, तो यहाँ से अभी हम चलते हैं अपने गैस स्टेशन पे, और मुझे पता नहीं क्यों जबान लड़खड़ा रही है। तो गैस स्टेशन पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या करना होगा जाके। यहाँ से भी कुदा दी भाई। ओके यार, तो फाइनली हम अपनी लोकेशन पे पहुँचने वाले हैं, और मैं रॉन्ग साइड आ गया था। तो अपनी लोकेशन पर हम पहुँचने वाले हैं, और अभी हम पहुँचने वाले थे यहाँ पे, मतलब जैसे हम यहाँ पे पास आए अपनी लोकेशन के, तो माइकल को फ़ोन करके फ्रैंकलिन ने बता दिया कि मैं इस जगह पे पहुँचने वाला हूँ। और मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ पक्का से बड़ा होने वाला है, मतलब यहाँ पे भाई हम कुछ या तो लोगों को मारने आए हैं, यहाँ पे कुछ मतलब गड़बड़ करने आए हैं पक्का से। और यहाँ पे दो बंदे खड़े हुए हैं अभी, और अभी देखते हैं क्या होगा। ओ भाई साहब, यहाँ पे यार सुपर कार्स हैं। So get in your cars and let's see if they move as fast as your mom. तो भाई अभी फ्रैंकलिन ने भाई अभी जो बंदे खड़े थे, ये जो हमारे बराबर में बंदे खड़े हैं दो, इनके पास भाई साहब सुपर कार्स हैं। यार ये पीछे वाली कार देखो जो ब्लू कलर की, बहुत धांसू है। और यहाँ पे लिखा है जो दो आगे हमारे कार चल रही हैं इनसे हमें रेस लगानी होगी। तो फ्रैंकलिन ने एक तरीके से मतलब चैलेंज किया कि क्या तुम्हारे मतलब मुँह से ज़्यादा ये कार चलती नहीं है या नहीं चलती। तो भाई उन लोगों ने बोला कि हम तुमसे रेस ज़रूर लगाएंगे, तो अभी हमें इनसे रेस लगानी होगी। तो भाई इन्हें जल्दी से हराते हैं यहाँ से, फिर देखते हैं क्या होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ये जो कार से हम रेस लगा रहे हैं, हमें इनसे रेस लगा के इन्हें जीतना होगा। जीतेंगे या फिर चोरी करेंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं होगा। और भाई यहाँ पर मेरी हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि भाई यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। खुला हुआ रास्ता तो है, खुला हुआ रोड है, लेकिन रोड चौड़े हैं, लेकिन भाई यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। लेकिन भाई मेरी कार इनकी कार से ज़्यादा तेज़ नहीं भाग पा रही। मेरी कार भी थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स कार है, लेकिन इतनी भी स्पोर्ट्स कार नहीं है जितनी इनकी स्पोर्ट्स कार है। मुझे तो इनकी कार एक्जोटिक कार्स लग रही है, मेरी सुपर कार लग रही है और इनकी एक्जोटिक लग रही है, क्योंकि एक्जोटिक कार जो होती है वो सुपर कार से भी ज़्यादा एडवांस होती है। तो भाई अभी पहले इनसे रेस लगाते हैं और फिर देखते हैं क्या होगा। तो भाई यहाँ पे अभी हमारा कोई अलग से डेस्टिनेशन बनी भी नहीं आ रही, कि मतलब एडिशनल डेस्टिनेशन के हमें कुछ और करना है। तो अभी हमें फिलहाल इनसे रेस ही लगानी है। तो भाई एक को तो शायद से मैंने पीछे छोड़ नहीं, भाई
मुझे लगा मैंने इसे पीछे छोड़ दिया, लेकिन नहीं अभी पीछे नहीं छोड़ा है इसको। ओ भाई इनकी कार बहुत तेज भाग रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं इन्हें पीछे छोड़ूंगा तो छोड़ूंगा कैसे, क्योंकि मैं अपनी कार मतलब सीधी सीधी भगा रहा हूँ, ये कटिंग भी मार रहे हैं फिर भी आगे निकल रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं इनसे आगे निकलूँ तो निकलूँ कैसे। ओके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं सीधा सीधा भगाता रहूँ गाड़ी को तो शायद से मैं इन्हें पक्का से पीछा छोड़ ही दूंगा, और अभी देखते हैं क्या होगा। तो भाई एक को तो शायद से मैंने पीछे छोड़ दिया है, और अब एक ही बंदा बचा जिसको मुझे पीछे छोड़ना होगा। ठीक है फाइनली एक बंदा तो भाई पीछे रह गया, और अब मुझे ये जो बंदा आगे चल रहा है मेरे इसको पीछे छोड़ना होगा। तो ओके मैं इसके भी पास आ रहा हूँ धीरे धीरे। ओके गया भाई ये भी थोड़ा थोड़ा करके गया, बस ये भी धीरे धीरे पास आ रहा है। और अभी हम कॉल कर रहे हैं माइकल को, और अब देखते हैं अब क्या होगा। ओके भाई साहब अभी माइकल और ट्रेवर बने हुए पुलिस वाले, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं समझ गया, मैंने प्रेडिक्शन कर ली ऑलरेडी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेवर माइकल जो भी पुलिस वाले बने हैं वो इसलिए बने ताकि भाई अभी जो ये बंदे रेस लगा रहे हैं इन्हें पकड़ सके, क्योंकि भाई बाहर जब मतलब जो आउटसाइड की कंट्री होती है मतलब फॉरेन कंट्रीज होती है जब वहाँ पर रेस वगैरह लगती हैं तो वहाँ पर मतलब पुलिस वाले बहुत खतरनाक तरीके से पकड़ लेते हैं जो रेस लगाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रैंकलिन ने ज़बरदस्ती उन बंदों से रेस लगवाई और अब उन्हें ही पकड़ लेंगे, और शायद से उनकी कार वगैरह भी छीन सकते हैं, क्योंकि भाई उनकी कार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत खतरनाक कार है। तो अभी चलते हैं, एक कार को तो पकड़ने के लिए माइकल गया, और एक कार अभी हम ड्राइवर बन के पकड़ेंगे, तो अभी देखते हैं। ओके तो भाई अभी फ्रैंकलिन उनके पीछे है लगातार, मैं देख सकता हूँ उसको, वो लेफ्ट साइड पर है। ओके तो ट्रेवर बोल रहा है मैं मतलब पास ही जाने वाला हूँ उस बंदे के जिसको हम पकड़ने वाले हैं। ओके माइकल हमारे लेफ्ट साइड पर है यहाँ पे। ओके ठीक है इसकी बाइक मतलब जो माइकल और ट्रेवर ने जो बाइक चूज करी है वो भाई बाइक तो इतनी कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी हम पकड़ना तो हमें इसी बाइक से होगा इन बंदों को जो भाग रहे हैं हमारे आगे। ओके भाई ये बंदे बहुत तेज भाग रहे हैं, मतलब हमारी जो भी हम कार चला रहे थे फ्रैंकलिन बनके उससे भी तेज भाग रहे हैं ये बंदे। तो अभी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई मैं बिल्कुल भी पास नहीं जा रहा मतलब जा पा रहा है इन लोगों के, मुझे समझ में नहीं आ रहा है पकड़ा कैसे जाएगा। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहा हूँ मतलब किसी तरीके से इन्हें पकड़ लूँ। ओके तो भाई माइकल बोल रहा है कि हमें इनका लगातार पीछे करते रहना होगा और हम किसी तरीके से इन्हें पकड़ना होगा, और भाई मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली अब ये बंदे रुक जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से माइकल अभी माइक में बोल रहा है कि गाड़ी रोक दो, तो अभी ये रोक देंगे शायद से। ओके भाई तो अभी ड्राइवर गालियां बकबक्के उन बंदों को बोल रहा है कि तुम्हें गाड़ी रोकनी होगी, और अभी देखते हैं क्या होगा यार। वैसे इन्हें चेस करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये हमारा पहला ऐसा मिशन है जब हम किसी को चेस कर रहे हैं मतलब इस तरीके से। तो अब ओ भाई साहब अभी जाता है, एक तो ये मिशन इतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा भी हार्ड नहीं है लेकिन थोड़ा सा मतलब मेरा माइंड डाइवर्ट कर रहा है, क्योंकि भाई हमें यहाँ पे अभी पुलिस भी बने हुए हैं और हमें पकड़ना होगा इन कार जो भाग रहे हैं रेसर्स, और अगर हम एक बार भी ठुके मतलब एक बार ठुके और हमारा मिशन फेल हो जाएगा। ओके तो मुझे ऐसा लग रहा है हम कारों के पास जाए जा रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा पास आ गए हैं कारों के, और अब शायद से ये रुक जाएंगी। ओके तो हम कारों के बहुत ज़्यादा पास आ गए हैं, और अभी ने रुकना ही होगा भाई, अभी ने रुकना ही होगा। ओके तो भाई ये रुकने वाले हैं। ओके रुक गए भाई, रुक गए फाइनली। ओके ये रुक गए, अब देखते भाई क्या होगा, ये देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा मुझे। ओके भाई तो ये अभी ट्रेवर बोला कि ट्रेवर उससे बोला कि हम तुमसे बाद में बात करेंगे, फ्रैंकलिन से ट्रेवर बोला कि हम तुमसे बाद में बात करेंगे, पहले इन लोगों से बात कर लें। ओके तो ये भाई बहुत ही कोई रिच किस्म के बंदे लग रहे हैं मुझे, चश्मा वश्मा पहन के हेडवेट लगा के। ओके भाई इसकी कार देखो कितनी ज्यादा खतरनाक कार है, मतलब मैंने शायद से इस गेम में अभी तक ऐसी कार देखी नहीं है। भाई साहब क्या कर रहा है ये, बिल्कुल एकदम मजे लेता है बंदा। ओ भाई साहब कार में से फेंक दिया। ओके तो भाई मैं सही सोच रहा था, ट्रेवर और माइकल ने इन लोगों को रोका यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये कार लेके भागना चाहते थे, और कार तो हमने इनकी ले ली है और अब हमें यहाँ से भागना होगा, और यहाँ पे लिखा है ड्राइव टू द गार्बेज। ओके तो हमें अपने गार्बेज में खड़ा कर, सॉरी गार्बेज नहीं गैरेज लिखा होगा शायद से, मैंने गलत पढ़ लिया। ओके तो हमें अपनी गैरेज में ले जाके खड़ी करनी होगी ये कारें, और अभी जहाँ पे हमें जाना है इन कारों को लेके वो लोकेशन बहुत ज्यादा दूर है, मतलब 5 माइल से भी ज्यादा की दूरी पर है वो लोकेशन, तो वहाँ पे हमें इन्हें अपनी गाड़ियों को खड़ा करना होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ हम बड़ा करने वाले हैं, इसीलिए हमें इन कारों की आगे जाके जरूरत पड़ेगी।
तो अभी अपनी लोकेशन पर चलते हैं और अभी हम जिस जिससे बात कर रहे हैं कॉल पे, ये वही लड़की है जिससे अभी हम थोड़ी देर पहले हमने कट सीन में देखा था, तो हमें शायद से उसको ये कार देनी होगी। तो अभी चलते हैं लोकेशन पर और देखते हैं हमें वहाँ पर क्या करना है। ओके भाई, तो फाइनली अपनी लोकेशन पर हम पहुँचने वाले हैं और ये मतलब जिस जगह पर हमने इन कारों को पकड़ा था वो मतलब एक बहुत ही मतलब दूर का इलाका था, मतलब यहाँ से बहुत दूर था वो, मेरे ख्याल से कोई गांव का इलाका था। तो वहाँ से हमें यहाँ आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन फाइनली अब तो हम लॉस सैंटोस में एंटर हो चुके हैं और हम अपनी लोकेशन पर पहुँचने वाले हैं। और अभी माइकल ने ये बोला है ट्रेवर और फ्रैंकलिन से कि जिस लड़की के लिए हम काम कर रहे हैं ये वाला, मतलब उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं दिखानी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोई प्रोफेशनल किस्म की कोई बिजनेस वूमन है, तो उसके साथ हमें तरीके से काम करना होगा। स्पेशली माइकल ने ट्रेवर को इस ये एक वार्निंग दी है कि भाई उस तरीके से काम करना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि भाई वो हमें कोई बड़े बड़े हमें शायद से काम करवाने वाली है। और ये हमारा गार्बेज यहाँ पर आ गया। ओके, तो हमने यहाँ पे कारें खड़ी कर दी हैं। मुझे सच बताऊँ तो वो ब्लू वाली कार ज़्यादा पसंद है, हालांकि रेड वाली भी काफ़ी ठीक थी, लेकिन ब्लू वाली सबसे ज़्यादा सही लग रही थी। ओके, तो ये बंदे अभी इन कारों को ले जाएंगे। ओके, तो ये शायद से वो बंदा था जो इनसे ये काम करवा रहा था, और मैं अभी भी भूल गया था, लेकिन मेरे एकदम से याद आ गया कि ये वही बंदा है जो हमें कुछ पिछली वीडियोस में दिखा था। और ये माइकल से बोल रहा था कि मैं तुम्हें मतलब कुछ अपॉर्चुनिटीज दे सकता हूँ तुम्हारे साथ काम करने की, और तुम्हें अच्छे पैसे दे सकता हूँ। तो ये वही बंदा है जो हमसे दोबारा से काम करवा रहा है। I'm a payment on completion of work type of guy. You don't like the job? Take a fucking walk. Okay. Come on, man. Hold on. So what's next, man? Well, it's the Z type. Okay, तो अभी अभी भाई ट्रेवर ने इस बंदे से पैसे मांगे काम के, लेकिन इस बंदे ने बोला कि मैं काम होने के मतलब काम जब पूरा हो जाता है कंप्लीट मैं तभी पैसे देता हूँ, उससे पहले पैसे नहीं देता। तो अभी शायद से इसका जो मिशन है बंदे का वो पूरा नहीं हुआ है, वो अधूरा ही है, इसलिए अभी इन्हें पैसे नहीं देने वाला। तो अभी फ्रैंकलिन ने पूछा कि अगला मिशन तुम्हारा मतलब अगला ऑब्जेक्ट क्या है वो हमें बताओ। We have access to an LSPD helicopter. Okay. The computer on board can ID pedestrians from a chip in their driver's license. Find Mulligan and Howick, follow him to the lockup. Someone on the ground collects the car. Okay. Right. So, who does what? So, you're not needed for this job. Phillips, you're in the chopper. Okay, भाई, तो अभी ये लड़की बोल रही है हमसे कि हमारे पास LSPD यानी पुलिस वालों का हेलीकॉप्टर है, और उन हेलीकॉप्टर को हमें कहीं लेके जाना पड़ेगा, और वहाँ पे ले मतलब कहीं पे ले जाके हमें वहाँ से उन हेलीकॉप्टर की मदद से कहीं कहीं से कारें उठा के लानी है। तो ये लड़की ने हमें अपना नेक्स्ट मिशन बता दिया है, तो शायद से हमें दोबारा से कुछ कारें वगैरह लानी होंगी। तो अभी देखते हैं क्या करना होगा। ये लड़की मुझे कोई VIP किस्म की लग रही है, और शायद से भी हम कपड़े बदल के अपने रूप में आ जाएंगे, और अभी देखते हैं क्या होगा। ओके, तो भाई यहाँ पे हमारा हो गया है मिशन कंप्लीट, और ये मिशन बहुत ज़्यादा कमाल का था, मज़ा ही आ गया एकदम से। तो यार बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर से जरूर से लाइक कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आ गया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को मेक श्योर जरूर से ऑन कर लेना, ताकि मैं अपने चैनल पर कभी भी कोई नई वीडियो डालूँ उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और आपकी कोई भी गेम प्ले वीडियो या सीरीज मिस ना। और मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना कि ये वीडियो कैसी लगी। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।